बढ़िया फ्लैट, बढ़िया फ्लैट, बढ़िया सा फ्लैट, 2 BHK का बढ़िया सा पुनावली लोकेशन में आपको अपार्टमेंट दिखा रहा हूँ। मुझे ये फ्लैट का टूर लेकर बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब जहाँ पे है बेसिकली ये फ्लैट की एंट्रेंस लॉबी है, आपको डोर पे मिल जाती है 1 touch की इलेक्ट्रॉनिक लॉक, और ये है आपकी फ्लैट के अंदर की लॉबी। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो 3.5x5.4 की साइज है। यहाँ पे आप शू रेक अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, और ये है आपका सिर्फ और सिर्फ लिविंग स्पेस। अगर मैं लिविंग स्पेस की बात करूं तो 10.5x16 की साइज है, जहां पे आपके सोफा प्लस आपकी टीवी प्लस आपके कुछ इंटीरियर पर्पस से ये चीजें लगाई गई, ताकि आपको एक स्पेस का आइडिया आ जाए। और यहाँ पे शैंडलियर बहुत अच्छा लगाएगा। और जैसे अंदर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक भगवान की मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है। तो ये लगाई गई है, इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे इतना सारा स्पेस है कि आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आइए अब मैं दिखाता हूं इसके साथ आपकी लिविंग के साथ आपकी जो है बालकनी। आप जैसे बालकनी में आ रहे हो, तो आपको बालकनी में आते वक्त आपको मिल रही है 3 track में डोर, 2 track में ग्लास डोर, 1 mosquito मेस के साथ। और ये है आपकी स्पेस, जिसकी साइज की बात करूं तो 10.5x5, और ऊपर से मिल जा रही है आपको इनक्लोज बालकनी, तो प्राइवेसी का प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये ऑथेंटिक सी रेलिंग, तो स्पेस बहुत अच्छा है। वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, आप जैसे आगे आ रहे हैं, तो यहां पे आपको मिल रही है आपकी डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग स्पेस की साइज की बात करूं तो 9.10x6.1 की साइज है, जिसमें 4 seater लगाए गए हैं, 4 seater डाइनिंग लगाए गए हैं। इसके साथ आपको मिल जा रही है किचन। आप किचन में जैसे आ रहे हो, प्लान को बहुत अच्छे से यूज किया गया है, मतलब स्पेस का। यहाँ पे आपको मिल रही है रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस। ये है आपका प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की साइज अच्छी है। नीचे क्लोज कैबिनेट लगाए गए हैं, ऊपर भी क्लोज कैबिनेट लगाए गए हैं, इस तरीके से आप लगा सकते हो। और ये जो स्पेस आप देख रहे हैं बेसिकली इस साइड में, ये आपका यूटिलिटी स्पेस है, तो यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन आ जाएगी, ठीक है। और इसकी साइज की बात की जाए तो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं। आइए अब जैसे इस साइड में आते हो, आप डाइनिंग के आगे आते हैं, तो मेरे राइट हैंड साइड में आपको मिल रही है एक वॉश बेसिन, जो कि काफी एक अलग दे दिया गया है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। और मेरे राइट हैंड साइड में एक वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम, और लेफ्ट हैंड साइड में एक बेडरूम है। तो पहले मैं आपको एक बेडरूम दिखा देता हूँ। आइए बेसिकली ये 2 BHK अपार्टमेंट है, तो मैं आपको फर्स्ट बेडरूम के साथ ही एक्सप्लेन करूंगा। इसको आप बना सकते हो किड्स बेडरूम बना सकते हो, कॉमन बेडरूम बना सकते हो, गेस्ट बेडरूम बना सकते हो, पेरेंट्स बेडरूम बना सकते हो। तो ये है बेसिकली आपका फर्स्ट बेडरूम, ओवर लुक के हिसाब से ये किड्स बेडरूम के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। साइज इसकी बहुत अच्छी है, 10x11 की साइज है। आपके राइट हैंड साइड में आपको मिल रही है आपको वेंटिलेशन पर्पज से 3 track में डोर, 2 track में ग्लास डोर, 1 mosquito मैच के साथ। आइए और ये है आपका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में फर्स्ट आपको मिल जा रही है आपकी कमोड, और ये मिल जा रही है आपकी शावर एरिया। अगर मैं शावर एरिया की बात करूं तो ग्रोहे की है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, शावर फिटिंग्स ग्रोहे की है। और अगर मैं कमोड फिटिंग्स की बात की जाए तो टोटो की बहुत अच्छी फिटिंग है। और अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो 7x4.7 बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको वॉश मशीन बाहर दे दिया गया है। आइए आपने देखा पहला बेडरूम, तो ये है आपका सेकंड बेडरूम। ये है आपका, इसको आप कह सकते हो मास्टर बेडरूम। बेसिकली इसकी साइज अगर मैं बात की जाए तो 10.6x13 की साइज है, किंग साइज की बेड लगाई गई है। और मेरे राइट हैंड साइड में वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज दी गई है, जो कि 3 track में है, 2 track में ग्लास डोर, 1 mosquito मैच के साथ। और इस साइड में आपकी टीवी यूनिट लगाई गई है। और यहां पर आ जाता है आपका वार्डरोब। तो साइज काफी अच्छी है, वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके साथ आपको मिल जा रही है अटैच वॉशरूम। आइए मैं आपको ये दिखा दूं। अब जैसे अटैच वॉशरूम के अंदर आप आते हैं,
तो फर्स्ट आपको एक मिल जा रही है वॉश बेसिन विथ मिरर, एंड यहाँ पे आ रही है आपकी कमोड, और इस साइड में आपकी आ रही है शावर एरिया। अगर मैं शावर फिटिंग्स की बात की जाए तो ग्रोहे की है, कमोड अगेन टोटो की है, एंड दिस वॉश बेसिन टोटो की है। तो ये 2 BHK अपार्टमेंट का सैंपल फ्लैट का टूर है। अब मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, लोकेशन पुनावले लोकेशन है। इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी टीम आपको साइट विजिट कराएगी। और ये फ्लैट का जो प्लान मुझे लगा, फ्लोर प्लान बहुत अच्छा लगा, आपको भी आके एक बार विजिट करना चाहिए ऐसे फ्लैट को, क्योंकि आपने देखा आपकी लिविंग स्पेस अलग थी, आपकी डाइनिंग अलग थी, और प्रॉपर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ पुनावले लोकेशन में एक बजटेबल अपार्टमेंट के हिसाब से ये अच्छा फ्लैट लगा। तो स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए गए हैं, जाइए वहाँ पे जाके कॉल करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।